डब्ल्यूडब्ल्यूई के नेक्स्ट पे पर व्यू आ सकता है, यानी कि एक्सट्रीम रूल हॉरर शो के मैच कार्ड प्रेडिक्शन के बारे में। और भाई इस वीडियो के अंदर हम डब्ल्यूडब्ल्यूई एक्सट्रीम रूल 2021 के मैच कार्ड प्रेडिक्शन करेंगे। बहुत दिनों बाद ये मैच कार्ड सीरीज के वीडियो चैनल पर आ रही है, और किस हिसाब से आज हम इसी के बारे में करेंगे प्रेडिक्शन, क्या हो सकता है मैच कार्ड इस बार एक्सट्रीम रूल 2021 के अंदर। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, लास्ट से जरूर देखना। और गाइस हां, चैनल पर अगर आप को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिएगा, जिससे चैनल पर आपको रेसलिंग कंटेंट मिलता है। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, वीडियो को लाइक नहीं किया तो भी लाइक करना। तो चलो शुरू करते हैं। वुमेन्स टाइटल चैंपियनशिप के लिए सबसे पहला मैच है नाइ जैक्स एंड शीना बेजलर से। टाइटल जीती है गाइस यहां पर से टमीन एंड नटालिया, को अपना टाइटल डिफेंड करेंगी अगेंस्ट अलेक्सा ब्लिस एंड लिलिया। और गाइस यहां पर से मे बी ये हमें मैच देखने को मिल सकता है सर्वाइवल एक्सट्रीम रूल्स के अंदर। और गाइस अलेक्सा ब्लिस एंड लिलिया कपल जो है यहां पर टमीन एंड नटालिया के ऊपर जो है नजर आ रही है। यहां पर से ये चैंपियनशिप के लिए मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑफिशियल करवा सकती है एक्सट्रीम रूल्स 2021 के लिए। नेक्स्ट मैच गाइस आता है टाइटल को डिफेंड करेंगे अगेंस्ट वाइकिंग रेडर्स। और गाइस यहां पर एक टैग टीम चैंपियनशिप के लिए हमें रॉकी टैग टीम चैंपियनशिप में यह मैच देखने को मिलेगा। डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलमेनिया के बाद यहां पर जो वाइकिंग रेडर्स उनको फिर से दोबारा बुला लिया एक मैच के पर, उसके बाद उनको जो रॉसे गायब कर दिया। एज सेरिस मोमोस की बात करें, उनके लिए कोई ढंग के अपोनेंट बच नहीं, मतलब है नहीं, लग रहा है कि भाई राइकर एंड अलायंस उनको चैलेंज कर सकते हैं। तो खैर वो जो है हेल इन अ सेल के लिए फिर कुछ रॉकी एपिसोड के अंदर उनको चैलेंज कर सकते हैं, पर हाँ एक उनको बेहतरीन चैलेंजर चाहिए तो भाई वाइकिंग रेड्स एक मे बी उनके लिए बहुत बढ़िया अपोनेंट बन सकते हैं। और गाइस वाइकिंग रेड्स वर्सेस स्टार्स रोमो से काफ़ी बढ़िया फिक्स मैच मे बी हो सकता है। नेक्स्ट मैच गाइस रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए नाइ जैक्स शीना बेजलर वर्सेस रिया रिप्ली के बीच रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप का मैच। और गाइस यहां पर से रिया रिप्ली अपना टाइटल डिफेंड करते हुए दिखाई दे सकती अगेंस्ट यहां पर से शीना बेजलर। और गाइस अभी तो लगता है कि फिलहाल जो रिया रिप्ली उनका टाइटल रेन बहुत अच्छा जा सकता है अगर WWE बुक करे तो। और गाइस शार्लेट फ्लेयर के बाद मे बी उनके लिए कोई अपोनेंट चाहिए तो भाई वो जो है शीना बेजलर हो सकती है। शीना बेजलर जो है फिलहाल लग रहा है कि भाई नाइ जैक्स जो है टीम से बाहर जाती हुई हमें दिखाई दे सकती है। और गाइस यहां पर से रिया रिप्ली वर्सेस जो है शीना बेजलर को मैच देखने को मिल सकता है। और भाई यहाँ पर से रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिल सकता है एक्सट्रीम रूल्स के अंदर। शेमस अपना टाइटल में डिफेंड करते हुए दिखाई दे सकती है अगेंस्ट डेमियन प्रीस्ट। और गाइस यहाँ पर से हमें देखने को मिलेगा इस यूएस चैंपियनशिप के लिए मैच। और गाइस काफी बढ़िया मैच हमको देखने को मिल सकता है इस बार एक्सट्रीम रूल्स के अंदर। और गाइस यहाँ पर से डेमियन प्रीस्ट को काफी तगड़े तरीके से पुश किया जा रहा है। और यहाँ पर से शेमस तो भी काफी बढ़िया है चैंप, एज हील चैंप काफी बढ़िया यूएस चैंपियनशिप को जो है कंटिन्यू रेन कर रहे हैं। और गाइस उनके लिए एक बहुत बेहतरीन अपोनेंट आई थिंक डेमियन प्रीस्ट हो सकते हैं। और भाई चांसेस भी है कि भाई डेमियन प्रीस्ट जो है हमें जीते भी दिखाई दे सकते। और गाइस यहाँ पर से जो है शेमस का जो टाइटल रेन है उसको भी एंड करते हुए दिखाई दे सकते इस बार एक्सट्रीम रूल्स के अंदर। अलेस्टर ब्लैक में भी हमें फेस करते हुए दिखाई दे सकते हैं अपोलो क्रूज को। गाइस यहां पर से इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच फिर देखने को मिल सकती है चैंपियन अलेस्टर ब्लैक चैंपियन अपोलो क्रूज और अलेस्टर ब्लैक के साथ फ्यूड करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और भाई यहां पर से बिग की सोल की राइवलरी खत्म होगी एक आधे लेने से पे वी के अंदर, ये राइवलरी मे बी एंड हो सकती है। और गाइस अपोलो क्रूज के लिए फिलहाल नेक्स्ट अपोनेंट WWE को अलेस्टर ब्लैक को एक जल्द से जल्द बढ़िया पुश देने, वैसे उनको पुश तो देने ही। और भाई अगर WWE सोचती है तो भाई अलेस्टर ब्लैक के लिए मे बी जो मिड कार्ड चैंपियनशिप वो काफी बड़े तरीके से वो जो सेल कर सकते हैं। और गाइस अपोलो क्रूज वर्सेस अलेस्टर ब्लैक एक परफेक्ट मैच बन सकता है एक्सट्रीम रूल्स के अंदर। बात करें WWE चैंपियनशिप की तो गाइस यहां पर से कीथ ली हमें रिटर्न होकर चैलेंज करते हुए दिखाई दे सकते हैं बॉबी लैशली को एक WWE चैंपियनशिप मैच के लिए। और गाइस यहां पर से बॉबी लैशली वर्सेस भाई यहां पर से कीथ ली के बीच एक WWE चैंपियनशिप की फ्यूड हो सकती है अगर WWE कीथ ली को एक मेगा पुश देती है तो भाई ये नंबर वन मैच हमको देखने को मिल सकते हैं दोनों पावर हाउसेस के बीच। भाई ये बहुत बढ़िया WWE चैंपियनशिप के लिए मैच हो सकता है। यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए हमें देखने को मिल सकता है रोमन रेंस वर्सेस बिगी के बीच एक मैच। और गाइस यहां पर से अगर बिगी को जो भाई मतलब एलिस्टर ब्लैक की राइवलरी के बाद उनको एक पुश दे रहा है तो भाई रोमन रेंस भी हो सकते हैं। हमने देखा था कि भाई रोमन रेंस को जो रेसलमेनिया के अंदर फेस कर सकते थे पर गाइस एनपल डबल प्लस चेंज कर दिया। गाइस मे बी उनके लिए काफी बढ़िया हमें अपोनेंट देखने को मिल सकते हैं रोमन वर्सेस बिगी का मैच। बस यही था कुछ
का मैच कार्ड प्रोडक्शन वीडियो आपको कैसे लगी मैच कार्ड वीडियो प्रोडक्शन आप मुझे कमेंट सेशन पर भी बताना और कैसे आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना। साथ ही साथ आप जो है वीडियो के कमेंट सेशन पर भी आपकी जो ओपिनियन एक्सपीरियंस के ऊपर आप मुझे कमेंट सेशन पर भी शेयर कर सकते हो। बाकी वीडियो लाइक वीडियो पसंद आए तो भाई वीडियो को लाइक करना, साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूले और कैसे हाँ चैनल पर नहीं तो भाई आपको सब्सक्राइब कर लेना। बस ये आज की हमारी वीडियो आज के वीडियो से भी आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।